हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। होप यू विल वॉच इट अप टिल द एंड। नंबर 1, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉवर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? आंसर, curd and sour substances contain acids. When they are kept in metal vessels like brass and copper, they react with the acid and produce toxic or harmful product and hydrogen. Dear children, curd or sour substances को copper और brass के बर्तन में store नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ड और सॉवर सब्सटेंसेस में एसिड पाया जाता है जो कॉपर और ब्रास के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद टॉक्सिक या हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको अगर हम यूज करें हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 2, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? आंसर, टू चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इन एसिड H+ आयन इज नीडेड, बट HCl एसिड कैनोट प्रोड्यूस H+ इन ड्राई कंडीशन, हेंस ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। डियर चिल्ड्रेन, लिटमस पेपर के कलर को चेंज करने के लिए एसिड में H+ आयंस चाहिए, लेकिन HCl जो है ड्राई अवस्था में या ड्राई कंडीशन में H+ आयंस नहीं बना सकता, इसलिए ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? आंसर, इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देन a huge amount of heat is produced due to which the mixture may splash out and cause severe burns. Dear children, agar water ko concentrate acid mein dala jata hai tab badi matra mein heat produce hoti hai, जिसकी वजह से मिक्सचर जो है स्प्लैश कर सकता है, बाहर निकल सकता है और हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? आंसर, when a solution of an acid is diluted, then the concentration of hydronium ions H3O+ decreases with dilution. Dear children, जब एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तब उसके अंदर हाइड्रोनियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह डिक्रीज करता है। जैसे जैसे उसको हम पतला बनाएंगे वैसे वैसे H3O+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है घटता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH- affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide?
आंसर व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस. बेस प्लस एक्सेस बेस गिव्स OH माइनस इंक्रीजेस. डियर चिल्ड्रेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर एक्सेस बेस डाल दिया जाता है तब उस बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. जैसे जैसे बेस के अंदर और भी बेस डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, OH माइनस बढ़ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? बी, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. आंसर ए, ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2. नंबर बी, ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH2